WTC फाइनल 2025 11 से 15 जून के बीच में क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले स्टेडियम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। 16 जून को रिजर्व डे रखा गया है। कौन सी दो टीमें जाएगी WTC फाइनल में? इंडियन टीम कंफर्म कर चुकी है कि वो WTC फाइनल 2025 में जाने वाली है और एकमात्र ऐसी टीम बन जाएगी जो 3 बार लगातार WTC फाइनल खेलेगी। टीम इंडिया WTC फाइनल 2021 में गई, टीम इंडिया WTC फाइनल 2023 में गई और अब ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया WTC फाइनल 2025 में भी जाने वाली है। तो इंडियन टीम का सामना किससे होगा? क्या इंडिया का सामना साउथ अफ्रीका से होगा फाइनल में? क्या इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा फाइनल में? अब एक सरप्राइज एंट्री और हो चुकी है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का भी WTC फाइनल 2025 हमें देखने को मिल सकता है और बेजबॉल फॉर्मेट की। इंग्लैंड, जरूर इंग्लैंड होस्ट कर रही है, पिछले तीनों WTC फाइनल इंग्लैंड होस्ट कर रही है, पर इंग्लैंड WTC फाइनल में इस बार भी नहीं पहुंच पाएगी। बेजबॉल एंटरटेनमेंट तो बहुत अच्छा दे रहा है परंतु WTC फाइनल में नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि इंग्लैंड ने अभी तक 16 टेस्ट मैचेज खेले, 8 टेस्ट मैचेज जीते हैं, 7 टेस्ट मैचेज हारे हैं, एक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा है। 42.19 उनकी PCT है इस वक्त, 81 पॉइंट्स है। अब इंग्लैंड के पास 6 रिमेनिंग टेस्ट मैचेज हैं, 3 पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाले हैं पाकिस्तान में जाके, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाले हैं न्यूजीलैंड में जाके। अगर ये 6 टेस्ट मैचेज इंग्लैंड की टीम जीत भी जाती है ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 57.95 PCT तक पहुंच सकती है, इससे ज़्यादा PCT तक नहीं पहुंच सकती। पर मिनिमम जो क्राइटेरिया है इस बार WTC फाइनल में जाने के लिए, मिनिमम 60 PCT चाहिए। अब इंग्लैंड जरूर सोचेगी यार स्लो ओवर रेट नहीं रखते, क्योंकि 19 पॉइंट्स स्लो ओवर रेट की वजह से इंग्लैंड के कटे हैं। अगर वो 19 पॉइंट्स प्लस कर दिए जाए और इंग्लैंड अपने बचे हुए 6 के 6 टेस्ट में से जीत जाए तो इंग्लैंड की जो PCT हो जाएगी 65.15 हो जाएगी, तब इंग्लैंड की टीम क्वालिफाई कर सकती है। परंतु इब्स एंड बर्ड्स तो बहुत चीज़ें हैं, बेजबॉल खत्म, अब एक्चुअल स्थिति में आ जाता है कि इंडियन टीम का सामना किससे होने वाला है और WTC फाइनल के समीकरण क्या बन रहे हैं। ये श्रीलंका, इंडिया वर्सेज श्रीलंका भी WTC फाइनल हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का WTC फाइनल कैसे होगा? अब इसके लिए देखो, इंडिया का पहले मैं आपको समीकरण समझा देता हूँ कि इंडियन टीम WTC फाइनल में कैसे जाएगी। इंडियन टीम के पास 10 टेस्ट मैचेज बचे हुए, 2 टेस्ट मैचेज बांग्लादेश के खिलाफ घर पे खेलेगी, 3 टेस्ट मैचेज न्यूजीलैंड के खिलाफ भी घर पे खेलने हैं और फिर 5 टेस्ट मैचेज ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलने हैं उनके घरेलू सरजमे पे। अगर इन 10 टेस्ट मैचेस में से टीम इंडिया 6 टेस्ट मैचेज भी जीत जाती है तो टीम इंडिया की जो PCT हो जाएगी 64.03 PCT हो जाएगी। मतलब टीम इंडिया को WTC फाइनल 2025 में क्वालिफाई करने के लिए मात्र 6 टेस्ट मैचेज जीतने जरूरी है। एक सिनारियो ऐसा भी है जहाँ पे टीम इंडिया को हो सकता है कि 7 टेस्ट मैचेज भी जीतना पड़े। तो सबसे पहला सिनारियो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का WTC फाइनल कैसा होगा? इंडिया 10 में से 6 टेस्ट मैचेज जीत गई, इंडिया की PCT हो गई 64.03। अब ऑस्ट्रेलिया के पास इस वक्त 7 टेस्ट मैचेज बचे हुए, 5 इंडिया के खिलाफ, 2 श्रीलंका के खिलाफ। अगर 7 में से 6 टेस्ट मैचेज ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है ना तो उनकी 71.05 PCT हो जाएगी, या 7 में से 5 टेस्ट मैचेज भी ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है ना तो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का हमें WTC फाइनल देखने को मिलेगा। अब एक सिनारियो कि इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का भी WTC फाइनल हो सकता है, कैसे हो सकता है? अब इसके लिए साउथ अफ्रीका को क्या करना होगा, अपने बचे हुए 6 के 6 टेस्ट मैचेज जीतने होंगे। साउथ अफ्रीका के पास 6 टेस्ट मैचेज बचे हुए और साउथ अफ्रीका अगर 6 के 6 टेस्ट मैचेज जीत जाती है तो उनकी PCT हो जाएगी 69.44। अब साउथ अफ्रीका पहुंच गई है 69.44 तक 6 के 6 टेस्ट मैचेज जीत के। अब ये सिनारियो, अगर साउथ अफ्रीका 6 के 6 टेस्ट मैचेज जीतती है तो फिर इंडिया को 10 में से 6 टेस्ट मैचेज जीतने पर इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगी, फिर इंडिया को 10 में से 7 टेस्ट मैचेज जीतने पड़ेंगे। क्योंकि अगर इंडिया 10 में से 6 ही टेस्ट मैचेज जीतती है तो फिर क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेज साउथ अफ्रीका भी फाइनल देखने को मिल सकता है। तो यही सिनारियो है, वैसे तो नॉर्मली 6 टेस्ट मैचेज जीतते ही क्वालिफाई कर जाती है टीम इंडिया WTC फाइनल में, परंतु अगर साउथ अफ्रीका 6 के 6 टेस्ट मैचेज जीत गई तो इंडिया को भी 10 में से 7 टेस्ट मैचेज जीतने होंगे। अगर इंडिया 10 में से 7 टेस्ट मैचेज जीत गई तो 69.29 टीम इंडिया की PCT हो जाएगी और साउथ अफ्रीका 6 में से 6 टेस्ट मैचेज जीत गई तो 69.44 साउथ अफ्रीका की PCT हो जाएगी। इस सिनारियो में इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का भी WTC फाइनल हमें देखने को मिल सकता है। ये तो क्लियर हो गया भाई, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया का सामना किस तरीके से हो सकता है। परंतु श्रीलंका ने एंट्री मार ली है, श्रीलंका ने वर्ल्ड क्रिकेट को चौंका दिया है। और जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि श्रीलंका WTC फाइनल में नहीं जा सकती, इस वीडियो को देख ले, पता चल जाएगा श्रीलंका भी जा सकती है। उससे पहले वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्पोर्ट्स कंसर्ट परिवार का आप भी हिस्सा बन जाइए। श्रीलंका की इस वक्त की स्थिति क्या है? 8 टेस्ट मैचेज खेले, 3 टेस्ट मैचेज जीते, 4 टेस्ट मैच आ रहे हैं, 42.86 उनकी PCT है,
और 36 पॉइंट्स है। अब श्रीलंका के पास 6 टेस्ट मैचेज बचे हुए, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं साउथ अफ्रीका में जाके, और 4 टेस्ट मैचेज श्रीलंका को अपने घरेलू सरजमी पे खेलने हैं, मतलब 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। टोटल 6 टेस्ट मैचेज इस वक्त बचे हुए हैं श्रीलंका के खिलाफ। अगर 6 के 6 टेस्ट मैचेज जीत जाए, अगर 6 के 6 टेस्ट मैचेज जीत जाए श्रीलंका, तो उनकी पीसीटी हो जाएगी 69.23। इस अगर 69.23 उनकी पीसीटी हो गई तो श्रीलंका को WTC फाइनल में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। आसान नहीं है ना, पर 6 के 6 टेस्ट मैचेज जीतना, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस तो श्रीलंका को साउथ अफ्रीका में जाके खेलने, और 2 के 2, 2-0 से हराना, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 जीतना, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 जीतना, 6 बैक टू बैक टेस्ट मैचेज जीतना, क्योंकि भोखाल तो ला के रख दिया श्रीलंका ने। अभी इंग्लैंड को 3रा टेस्ट मैच हरा के, इंग्लैंड को जिस तरीके से टेस्ट सीरीज में फाइट दी, कॉम्पिटेंस तो दिखाया, इससे पहले ODI सीरीज भी जीती है इंडिया के खिलाफ, टेस्ट मैच भी हरा दिया है इंग्लैंड को, सनत जयसूर्या के जुड़ने के बाद में श्रीलंका टीम कुछ अलग नजर आ रही है। पर एक्चुअल स्थिति यह है कि 6 में से 6 टेस्ट मैचेज अगर इंडिया भी होती ना भाई, साउथ अफ्रीका में जाके 2 टेस्ट मैचेज खेलने हैं, तो मैं इंडिया को भी इतना नहीं मानता कि साउथ अफ्रीका में जाके इंडिया 2-0 से जीत के आ जाएगी। इंडिया अगर 2-0 से साउथ अफ्रीका में जाके नहीं जीत सकती ना, तो श्रीलंका भी नहीं जीत सकती। एक टेस्ट मैच तो मुझे लगता है हो सकता है कि न्यूजीलैंड और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 2-2 टेस्ट मैचेज श्रीलंका अपने घर सरजमी पे खेलेगी, वो 4-0 से जीत जाए, 2-0 से न्यूजीलैंड को हरा दे, 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच तो कम से कम जीतना ही पड़ेगा, एक टेस्ट मैच तो। और कॉन्फिडेंस होगा, अभी इंग्लैंड को हराया इंग्लैंड में जाके, वो भी बेसबॉल की हवा निकाली है, तो कॉन्फिडेंस होगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि 5 टेस्ट मैचेज जीती, ये जो 6 बचे हुए टेस्ट मैचेज में से 5 टेस्ट मैचेज जीत जाती है कौन सी टीम, श्रीलंका की टीम, तो उनकी पीसीटी हो जाएगी 61.53 पीसीटी हो जाएगी। अब साउथ अफ्रीका एक टेस्ट मैच हारते ही उनकी पीसीटी रह जाएगी 61.11, फिर अगर 6 में से अगर 5 ही टेस्ट मैचेज जीती है ना साउथ अफ्रीका, तो उनकी 61.11 पीसीटी रह जाएगी, और श्रीलंका 6 में से 5 टेस्ट मैच जीत रही है तो 61.53 पीसीटी हो रही है उनकी। और फिर ऑस्ट्रेलिया टीम मात्र और मात्र 4 टेस्ट मैचेज ही जीते ना, तो उनकी पीसीटी रह जाएगी 60.52, मतलब श्रीलंका को 6 में से 5 टेस्ट मैचेज जीतने हैं, फिर उम्मीद करनी होगी, क्योंकि एक टेस्ट मैच तो साउथ अफ्रीका को खुद श्रीलंका हरा रही है, तो साउथ अफ्रीका का तो पत्ता कट गया। फिर उम्मीद यही करके चलनी होगी कि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर एक टेस्ट मैच इंडिया जीत जाए, तो एक तो जीतेगी जीतेगी, क्योंकि इंडिया को भी एक टेस्ट मैच जीतना जरूरी है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में से, तभी तो टीम इंडिया WTC फाइनल में प्रवेश करेगी। तो वहाँ पे 4 ही टेस्ट मैच जीतेगी, 4-1 से वो सीरीज, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर ली, जो आसानी होने वाला हो सकता है कि 3-2 या 2 बराबर भी समाप्त हो जाए, पर वो सिनारियो अलग लेके चलूंगा। तो 4-1 से ऑस्ट्रेलिया वो सीरीज जीत गई, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रही है श्रीलंका में। अब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज डिसाइड करेगी कि श्रीलंका के जा रही है और ऑस्ट्रेलिया के जा रही है। अगर वो सीरीज फिर 2-0 से श्रीलंका जीत जाए, 5 टेस्ट मैच श्रीलंका जीत गई और श्रीलंका की जो पीसीटी हो गई 61.53, साउथ अफ्रीका 5 टेस्ट मैच जीतने की वजह से 61.11 पे रहेगी पीसीटी, और ऑस्ट्रेलिया भी 4 टेस्ट मैच अपने बचे हुए 7 में से 4 टेस्ट मैच जीतने की वजह से है, उनकी भी पीसीटी 60.52 पे रह गई। इस स्थिति में श्रीलंका दूसरी टीम बन जाएगी 61.53 के साथ WTC फाइनल 2025 में क्वालिफाई करने वाली, और इंडिया 10 में से 6 टेस्ट मैच जीत के ऑलरेडी 64.03 पे खड़ी है। इस स्थिति में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का भी WTC फाइनल देखने को मिल सकता है। ये श्रीलंकन फैंस के लिए मैंने थोड़ी सी उम्मीद दी है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज कम है यार, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मोस्ट लाइकली लग रहा है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही WTC फाइनल होगा, क्योंकि यार न्यूजीलैंड को 2-0 से हराना और ऑस्ट्रेलिया को भी 2-0 से हराना, ये श्रीलंका के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, परंतु आसान हो तो WTC फाइनल हर कोई खेल सकता है ना। उम्मीद तो है ना श्रीलंका के पास WTC फाइनल में जाने की, उस उम्मीद को बरकरार रखना होगा।